नवगठित ब्यावर जिले में शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत का जिला बनने के पश्चात पहली बार आगमन हुआ। गहलोत शहर के एसडी कॉलेज परिसर में आयोजित राजीव गांधी जिला स्तरीय शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत करने आए थे। सीएम गहलोत ने कार्यक्रम के अनुसार करीब 2 घंटे 14 मिनट की देरी से 4:14 पर मंच पर प्रवेश किया। मंच पर प्रवेश करने के दौरान सीएम गहलोत ने सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। स्वागत सत्कार के पश्चात सीएम गहलोत ने अपना उद्बोधन शुरू किया। सीएम अशोक गहलोत ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में कहा कि जब वे नए जिले ब्यावर की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तो उनके मन में खुशी हो रही थी। सीएम ने कहा कि ब्यावर को जिला बनाने की मांग सबसे पुरानी थी, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए गए, लेकिन जब जब भी वे सीएम बने तो उन्होंने हर बार कहा था कि थोड़ा सब्र रखो और उसी का फल है कि आज ब्यावर सबसे समृद्ध जिला बना है। उद्बोधन के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के निवासी ब्रजमोहन लाल शर्मा तथा आनंद मोहन शर्मा सहित अन्य ने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था। वे स्वयं भी ब्यावर को जिला बनाने की चाह रखते थे और समय आने पर उसे पूरा भी किया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश के इतिहास में एक साथ 19 नए जिले बनाने वाला प्रदेश राजस्थान है। उन्होंने कहा कि दूरियां कम करने के लिए संभागों का गठन किया गया है ताकि आमजन को आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसे प्रशासनिक दृष्टि से गुड गवर्नेंस का एहसास होगा और आमजन को इसका लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रतापगढ़ को जिला घोषित करने के बाद भी जिले को मूर्त रूप लेने में करीब 1.5 साल लग गया, लेकिन प्रदेश में एक साथ 19 जिलों ने मात्र 2 माह में ही मूर्त रूप ले लिया। जिले बनने के बाद जिलों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। इसको देखते हुए उन जिलों के विकास के लिए विजन 2030 की शुरुआत की गई ताकि जिलों का संपूर्ण विकास हो सके। इस हेतु सभी वर्गों से 2030 तक अपना शहर कैसा और किस प्रकार का बनना चाहिए के बारे में सुझाव व प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। सीएम ने ब्यावर की तिलपट्टी का भी जिक्र किया। वो जमाने मंत्री थे, फ्रीडम फाइटर थे। आनंद मोहन शर्मा जी से कई बार मिला, उनके पिताजी मिला था मैं, जो बुजुर्ग थे वो। तो याद है मुझे कि जब कभी हम ब्यावर आते थे तो ब्यावर का एक अलग हो रहा था। कई बार पदयात्रा करी मैंने ब्यावर में कार्यकर्ताओं के साथ में। आपकी तिलपट्टी तो बहुत फेमस है, पूरे देश के अंदर फेमस है, पर मैं जानता हूँ कि ब्यावर की मांग बहुत पुरानी थी। ये जो ऐतिहासिक निर्णय किया राजस्थान का, इसी जोड़ के देखिएगा आप, जब मैं कहता हूँ कि मिशन 2030 मायने तो 30 के अंदर राजस्थान कैसा होगा, इसके सुझाव हम ले रहे हैं, पूरे प्रदेशवासियों से ले रहे हैं। 1 करोड़ का टारगेट रखा है, ज़्यादा होंगे उसके अंदर। कोई वर्ग हो, छात्र हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, अनुभवी लोग हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कोई हो, सब अपने सुझाव दें